दरभंगा उत्पाद विभाग मद निषेध के द्वारा जिले भर में छापेमारी की गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में शराब पीने वाले और बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया। वहीं पकड़ाए गए लोगों ने कहा कि हम लोग शराब पी करके जा रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया। किसी ने कहा कि ताड़ी पी करके जा रहे थे तो पकड़े गए। वहीं दो महिला भी गिरफ्तार हुई है। बता दें कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर उत्पाद विभाग मद निषेध के द्वारा अभियान चलाकर लगातार शराब पीने और शराब बेचने वाले को गिरफ्तार किया जा रहा है। किस थाना से है? थाना से। किस जिला का है थाना? शिवानी पास में आ रहे थे, एक दिन पहले पिए थे, जारी वही में बंद मार दिया था, पता कैसा है। शिवानी कल लगभग 7-8 बजे थोड़ा ड्रिंक कर लिए थे सर, जैसे ये था सर, जैसे पहली बार सर यहाँ लगाए थे। पहली बार पकड़ा गया? अच्छा, यहाँ किस काम से आए? वहाँ जैसे में ड्यूटी करते हैं सर। सोनू हत्याकांड में दोषियों की गिरफ्तारी और फर्जी एफआईआर वापस करने को लेकर एमएसयू ने किया नगर थाना का घेराव। नगर थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद माने आंदोलनकारी, कहा न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे। बीते 10 दिन पूर्व रत्नोपट्टी मोहल्ला निवासी सोनू सोहनी की लाश आम के पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। आए दिन गुस्साए लोगों का हुजूम, लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसको देखते हुए अब सोनू सोहनी के न्याय के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे आ गए हैं। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एमएसयू के कार्यकर्ता नगर थाना का घेराव करने पहुंच गए। इसी बाबत एमएसयू के सदस्यों ने कहा, सोनू सोहनी को एक साजिश के तहत जान से मार दिया गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन का चुप्पी संदेह की ओर इशारा करता है। दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में प्रेस दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर अंबेडकर सभागार में कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान दरभंगा जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित पत्रकारगण मौजूद रहे। प्रेस दिवस पर जिलाधिकारी ने सभी पत्रकारजनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, सब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है और वो फेमस न्यूज डिस्प्ले करते हैं। आप लोगों को एजुकेट भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं और इंटरटेन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यूनिसेफ द्वारा मनाया गया चाइल्ड राइट सप्ताह। गौरतलब है कि 14 नवंबर को देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 20 नवंबर को संपूर्ण विश्व में बाल दिवस मनाया जाता रहा है। इस वर्ष 14 नवंबर से 20 नवंबर की अवधि में सरकार और महत्वपूर्ण घटक यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड राइट वीक मनाया जा रहा है, जिसमें श्रम आयुक्त बिहार पटना के निदेशक के आलोक में आज 16 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम उपश्रम आयुक्त दरभंगा के कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन की टीम, नियोजनालय के पदाधिकारी और कर्मी को राकेश रंजन श्रम अधीक्षक दरभंगा के द्वारा बाल श्रम नियोजित नहीं करने से संबंधित शपथ दिलाई गई और धावा दल और चाइल्ड लाइन की टीम को रवाना किया गया। धावा दल की टीम के द्वारा लहरसराय लोहिया चौक से होते हुए दरभंगा टावर चौक से राज कैंपस और बाईपास होते हुए विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठान में शपथ पत्र भरवाया गया। स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा सामान्य अनुसांगिक सेशन 2020-23 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं 24 नवंबर तक बिना किसी शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं और भरने की प्रक्रिया 15 नवंबर से ही शुरू है। सामान्य विलम्ब शुल्क के साथ 25 नवंबर से 30 नवंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। परीक्षा फॉर्म और शुल्क विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा ने बताया कि स्नातक प्रथम खंड के उत्तीर्ण या प्रोन्नत छात्र छात्राएं स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन के माध्यम से भरी हुई परीक्षा फॉर्म की प्रिंटेड प्रतिलिपि निकाल कर अपने अपने कॉलेज में निश्चित रूप से जमा कर देंगे। प्रधानाचार्य से भी अनुरोध किया गया कि छात्रों द्वारा जमा किए गए परीक्षा फॉर्म की प्रिंटेड प्रतिलिपि सहित एक समय की सूची बनाकर परीक्षा विभाग कार्यालय में अवश्य ही उपलब्ध करा देंगे। एलएनएमयू द्वारा संचालित बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए परीक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दी है। इसके अनुसार परीक्षा प्रत्येक दिन 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी, जबकि इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र आरएनआर कॉलेज समस्तीपुर को बनाया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 22 नवंबर को फार्मासिटी फर्स्ट की परीक्षा आयोजित की जाएगी, वहीं 23 नवंबर को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, 24 नवंबर को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, 25 नवंबर को फार्माकोग्नोसी फर्स्ट की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 26 नवंबर को कम्युनिकेटिव इंग्लिश, 28 नवंबर को रिमेडियल मैथमेटिक्स और 29 नवंबर को रिमेडियल बायोलॉजी की परीक्षा ली जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्र ने बताया कि निर्धारित तिथि और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के संबंध में सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है, वहीं केंद्र अधीक्षक को इसकी सूचना निर्गत कर दी गई है। लहरेसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवागंज मोहल्ले से एक उजले रंग की अपाची बाइक रात को चोरी हो गई। इस संबंध में गाड़ी मालिक नूर नजर ने थाना में आवेदन दिया है, जिसमें कहा कि घर के पास गाड़ी लगाकर रात में सोने चले गए और जब सुबह जगे तो बाइक गायब था। इधर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर से अजय शंकर की ग्लैमर बाइक चोरी हो गई। इसे लेकर उन्होंने थाना में आवेदन दिया है, जिसमें कहा है कि वे मोहल्ला में ही एक परिचित के घर के बाहर गाड़ी लगाकर अंदर गए और जब बाहर आए तो बाइक गायब थी। वहीं आपको बता दें कि लहरेसराय थाना क्षेत्र से 2 बाइक की चोरी हुई है, जिसमें केस दर्ज की गई। युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर। मिथिलांचल का गौरव अब दरभंगा में। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए युवराज एजेंसी की एक अनोखी पहल। बिहार का पहला अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सर्विसिंग की सुविधा। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, मोर पावरफुल इनहेंसमेंट, माइलेज इको फ्रेंडली राइडिंग, क्योंकि यह है आपके न्यू एज एनर्जी। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, 10 रुपया में चले 80 किलोमीटर। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 36,000 रूपए से भी ज्यादा बचत। अगर आप अपनी गाड़ी में हर महीने 1,000 से 3,000 का पेट्रोल भराते हैं तो, अगर आप पेमेंट लाने एवं माल पहुंचाने में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की सफर करते हैं तो, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल की बस के किराए का खर्च अधिक होने से बचाना चाहते हैं तो, अगर आप खुद 30 से 40 किलोमीटर की मार्केटिंग या कोई वस्तु डिलीवरी करते हैं तो, अगर आप घर की महिला एवं बुजुर्ग को हल्के गाड़ी देना चाहें या मार्केटिंग खुद करना चाहें तो, एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चला, वही भरोसा, वही विश्वास। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वादा, खर्च कम बचत ज्यादा। एम्पियर का साथ आपका विश्वास। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाला ई बाइक एम्पियर इलेक्ट्रिक। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप्स, 10 रुपए में चले 80 किलोमीटर। युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक, सैद नगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9473118689। दूसरा नंबर 8294500443। युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर।